है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। रेसिपी काले चने की रेसिपी है और मैं इसको बहुत ही नए तरीके से इस रेसिपी को लेकर आई हूँ। डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो चलिए हम रेसिपी को शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो चना है वो एक कप के करीब में लिया हुआ है और चना को मैंने एक बड़े से बर्तन में डाल लिया है। चने को मैंने अच्छी तरीके से चुन लिया है ताकि उसमें कोई भी लकड़ी या फिर कोई भी कंकड़ ना हो। और अब हम इसको एक बड़े से बर्तन में डाल के इसके 2 से 3 पानी तक हम इसको वॉश कर लेंगे ताकि जो भी इसमें गंदगी हो वो निकल जाए, यानी कि धूल और मिट्टी हो वो अच्छे से निकल जाए। तो 2 से 3 पानी हम इसको धो लेंगे और तब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके आगे क्या करना है। तो ये देखिए, हमने इसको अच्छे से धो लिया है और अब हम इसको भिगोएंगे। तो हम इसमें डालेंगे पानी। पानी हमें इतना डालना है कि चना अच्छे से डूब जाए और 1 इंच ऊपर तक पानी रहे। मैं इसको 7 से 8 घंटे के लिए छोड़ रही हूँ। हम इसको रात में ही भिगो के रख देंगे 7 से 8 घंटे के लिए ताकि अच्छे से फूल जाए। अगर आपको जल्दी है तो आप गर्म पानी में भी इसको भिगो के रख सकते हैं, 4-5 घंटों में भी अच्छे से फूल जाते हैं। तो मैं इसको इससे रात में ही भिगो के रख रही हूँ। 7 से 8 घंटे के बाद मैं इसको इसकी रेसिपी बनाऊँगी। तो इसे हम ढक के रख देते हैं और इसको फूलने देते हैं अच्छे तरीके से। तो ये देखिए, 7 से 8 घंटे हो चुके हैं और ये अच्छी तरीके से जो चने थे वो फूल गए हैं और ऊपर देखिए पानी भी बच गया है। इतना पानी हमें डालना है कि सारे चने अच्छे से फूल जाएं। और साथ में ही हमने मेथी भी, 1 टेबलस्पून मेथी को भी भिगो के रख लिया था, वो भी अच्छे तरीके से फूल गया है। तो अब हम इन दोनों चीज़ों को साइड में रख देते हैं और आगे की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लिया है 1 कढ़ाई और उसमें डालेंगे हम तेल 1 टेबलस्पून के करीब में। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 से 4 हरी मिर्च, जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था। आप चाहे तो इसका पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद डालेंगे स्लाइस में कटे हुए प्याज, 2 मीडियम साइज़ का प्याज जिसे मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, लेकिन हम पूरा नहीं डालेंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ही डालूँगी और थोड़ा सा बचा के रख लूँगी बाद में यूज़ करने के लिए। तो प्याज को हमें गोल्डन करना है तक हम इसको सुनहरा होने तक भुनेंगे। तो ये देखिए, लगभग सुनहरे हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना हमें। अब मैं इसमें डालूंगी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और उसके बाद डालेंगे ग्रेट किया हुआ गाजर। इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। आप चाहे तो गाजर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के भी ले सकते हैं। और इन सब चीज़ों को हमें 2 मिनट तक अच्छे से पकाना है। तो इसे हम पकाएंगे, कुक करेंगे। 2 से 3 मिनट तक हमने इसको कुक किया है और लगभग सॉफ्ट हो गया है ये। तो अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर, 1 मीडियम साइज़ टमाटर जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, उसको भी हम इसमें डाल देंगे और इसको मिला लेंगे अच्छे तरीके से। और अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच के करीब में लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है मैंने। और अब मैं डालूँगी 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर। और अब हम इसमें डालेंगे मसाला। तो ये 1/2 छोटी चम्मच के करीब में ये मसाला है, ये होममेड मसाला है, पनीर टिक्का में मैं इस मसाले को यूज़ करती हूँ। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। और उसके बाद डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच के करीब में लाल मिर्च पाउडर। और अब हम इन सारी चीज़ों को मिला लेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देते हैं कलर के लिए। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे हम, चाहे तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इनको लो फ्लेम पर कुक करेंगे। तो ढक्कन लगा देते हैं और इनको लो फ्लेम पे हम कुक कर देते हैं। जब तक कि सारी चीज़ें सॉफ्ट नहीं होती तब तक हमें इनको पकाना है। तो देख सकते हैं आप, अच्छी तरीके से पक गया है। तो हमें थोड़ी सी कलछी से ही इसको मैश कर लेना है ताकि अच्छे से मिल जाए। इसको मैश करने के लिए हमें मैशर का यूज़ नहीं करना है, कलछी से ही बस थोड़ा सा मैश कर लेना है। अब मैंने यहाँ पर लिया हुआ है पनीर और पनीर को भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाल देंगे। ये है टोमेटो सॉस 1 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून के करीब में ही सोया सॉस। और अब हम डालेंगे इसमें एप्पल साइडर विनेगर। आप इसकी जगह पे वाइट विनेगर का भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैं 1/2 टेबलस्पून के करीब में डाल रही हूँ। अगर आपके पास एप्पल साइडर विनेगर नहीं है तो आप वाइट विनेगर भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये एप्पल साइडर विनेगर लिया है, आप कोई सी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और अब मैंने इन सारी चीज़ों को मिला लेना है। उससे पहले मैं इसमें डालूँगी नमक स्वाद के अनुसार और इन सारी चीज़ों को मिला लेना है। और अब हमें इससे ज़्यादा कुक नहीं करना है, हमें फ्लेम को लो रखना है और धीरे धीरे सारी चीज़ों को हमें मिला लेना है ताकि फ्लेवर सारी जगह सारी चीज़ों में मिक्स हो जाए अच्छे से। थोड़ा सा आंच बढ़ाएंगे हम और इनको मिला लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने 2 से 3 मिनट तक इसको मिला लिया अच्छे से।
और अब मैं इसमें डालूंगी ग्रेट किया हुआ नारियल, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें या फिर स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद डाल देंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ, उसको मिला लेंगे। और अब मैं डालूंगी आधी छोटी चम्मच के करीब में शुगर। डाल रहे हैं कि जो सारी चीज़ें हमने ऐड करी है सबका टेस्ट जो है वो बैलेंस रहे, इसलिए हमने थोड़ा सा मैंने आधी छोटी चम्मच के करीब में ही चीनी डाल दिया है। और अब हम सारी चीज़ों को मिला लेंगे, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और ये जो हमने मिश्रण बनाया है उसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम ले लेंगे एक मिक्सर का जार, मैंने बड़ा वाला लिया है ताकि हम सारी चीज़ों को एक साथ में ग्राइंड कर सकें। तो हमने जो चना है उनको पानी सहित हमें इसमें डालना है, लेकिन पानी को हमें धीरे धीरे करके बाद में डालना है। तो मैंने चना डाल लिया है और मेथी है वो भी डाल लिया है, और जो पानी है उसमें डाल देंगे। बाकी जो चने वाला पानी है वो भी हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे, एक साथ में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके जब पीसते जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको हम बिल्कुल महीन होने तक ग्राइंड कर लेंगे। देखिए लगभग सारा पानी हमने इसमें यूज़ कर लिया है और इसका कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं बिल्कुल महीन हमने पीसा है। और अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ और अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार और इसको हम मिला लेंगे। और आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, नॉनस्टिक पैन, और उसे ऑयल से हम ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। पहले ग्रीस किए हुए ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे, उसके बाद थोड़ा ठंडा कर लेंगे और पानी के छींटे डाल देंगे अब तवे के ऊपर। और उसके बाद हमें जो बैटर हमने लिया था उसे 2 चम्मच के करीब में लेना है और बहुत ही आराम से हमको इसको स्प्रेड करना है अच्छे से डोसे की तरह। ये देखिए बिल्कुल पतला फैलाना है, बहुत मोटा नहीं फैलाना है। तो ये देखिए नीचे से अच्छे तरीके से सिक गए हैं। तो अब मैं इसके ऊपर ऑयल डाल रही हूँ, आप चाहे तो मक्खन या फिर घी भी डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें डालूंगी ये लहसुन की चटनी है, ये तीखी है, बहुत ही ज़्यादा तीखी है, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है और मैं इसको इसके ऊपर डाल रही हूँ, स्प्रेड कर रही हूँ। ये घर की बनी हुई लहसुन की चटनी है तो इसके लिए ये पाउडर फॉर्म में मार्केट में भी मिलता है, आप उसको ले सकते हैं। और अब मैं डालूंगी इसके ऊपर स्टफिंग, कि देखिए कितना ज़्यादा यमी लग रहा है, बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। और जो प्याज बचा के रखा था ना वो अब डाल देंगे, अब इसको मोड़ लेंगे। तो देख सकते हैं आप बाहर से कितना ज़्यादा क्रिस्पी है और जो इसका स्टफिंग है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, आप देख सकते हैं इसका कलर। बाकी के सारे डोसे भी हम इसी तरीके से बना लेंगे, तवे को थोड़ा ठंडा करेंगे, उसके ऊपर पानी की छींटे डालेंगे और सारे बैटर से हमें डाल के इस तरीके से ईजिली फैला लेना है। और अब इसके थोड़ा सा नीचे से सिकने के बाद थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, उसके बाद लहसुन वाली चटनी और स्टफिंग डालेंगे। तो प्याज भी हमने ऐड कर लिया है और अब मैं इसको पलटूंगी। तो मुझे ये लकड़ी वाले से ज़्यादा अच्छा ये स्टील वाले से होता है, जिससे कि ईजिली ये निकल जाता है, चिपकता नहीं है, बिल्कुल भी टूटता नहीं है। अब मैं इसको फोल्ड कर लूँगी, सब बिल्कुल रेडी है। आप इसको नारियल की चटनी, मीठी चटनी या इमली की चटनी के साथ भी सर्व करें, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्रिस्पी है और इसमें जो स्टफिंग डाला है ना गाइस, वो खाने के बाद तो आप सब कुछ भूल जाने वाले हो, इतना ज़्यादा यमी है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, अच्छी लगेगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चने की नई सी रेसिपी कैसी लगी और हेल्दी भी है तो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। सारी नई और डिलीशियस रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा, जिससे कि आने वाली सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। मिलते हूँ अगले एक नई वीडियो के साथ, बाय बाय।